गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है विजय सिंह। मैं अभी एक्टिंग सीख रहा हूँ। आई एम एन एक्टर, बट अभी सीखा जा रहा है। अभी आपने शायद सुना भी होगा, बॉलीवुड दर्शन एक ऑनलाइन एक्टिंग स्कूल है और सर पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं, तो मैं अभी पर्सनल क्लासेस ले रहा हूँ उनसे। तो हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि आप जिस जगह रहते हो उस जगह की लोगों को सैर कराओ, उस जगह के बारे में बताओ, उस उन जगहों पर क्या क्या खास चीज़ें हैं वो चीज़ें दिखाओ लोगों को, एक ब्लॉग बनाओ। तो आज वही ब्लॉग तैयार करूंगा। और मैं बाय द वे इस वक्त मुंबई में हूं, तो मुंबई में मैंने सोचा कि क्या दिखाऊं। मुंबई में तो ऑलमोस्ट हर चीज फेमस है, लोगों को पता ही है। तो मैंने सोचा कि एक एक्टर के लिए यहाँ पृथ्वी थिएटर से अच्छी चीज क्या हो सकती है। अगर कोई मुंबई आना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, तो पृथ्वी थिएटर से बेटर चीज उसके लिए कुछ नहीं है। तो आज चलते हैं, पृथ्वी थिएटर की सैर करके आते हैं और निकलते हैं। चलिए लेट्स गो। और ये हमने ली बस, बस में जा रहे हैं। हमारे यहाँ की बसें खाली रहती हैं, बस सड़कों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, लोकल में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बट बसें खाली रहती हैं हमारे यहाँ की, पता नहीं क्यों। और ये मुंबई की बारिश वर्ल्ड फेमस, यहाँ की बारिश रुकती नहीं कभी भी, दो दो महीने तीन तीन महीने बारिश होती रहती। और ये लोकल स्टेशन है, स्टेशन का नाम है बेलापुर सीबीडी, काफ़ी फेमस है एक्चुअली ये स्टेशन भी नवी मुंबई में और मुंबई में। और ये स्टेशन के अंदर आए हम प्लेटफॉर्म पे हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ये पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी, ये जो खाली दिख रहा है आपको, इस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी। ये जो पीछे है, मेरे पीछे जो प्लेटफॉर्म है उस पे ट्रेन आएगी। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए शॉट लिया था, ये ट्रेन कैसी होती है हमारे यहाँ की। स्टेशन बहुत सुंदर बनाया हुआ है ये। और ये ओशन क्रॉस कर रहे हैं हम, जब मुंबई में एक जगह है वाशी, वाशी के नाम पे, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया है ओशन के ऊपर, ट्रेन्स के लिए भी है और गाड़ियों के लिए भी है। जब आप वो क्रॉस करेंगे तो आपको ये ओशन का व्यू मिलेगा, बहुत सुंदर व्यू है। और ये लोग दरवाजे पर लटकते हैं, पता नहीं क्यों, गधे हैं गधे गधे। ये पहुंच गए हम स्टेशन पे, ये देखिए इतना रश। ये संडे के दिन इतना रश है, तो सोचिए पीक आवर्स और वर्क डेज में कितना रश होता होगा यहाँ पे। ये नॉर्मल है, इतना रश नॉर्मल है। हम पहुंचे, हम बाहर की तरफ चलते हुए बाहर जा रहे हैं, हम स्टेशन के बाहर निकल रहे हैं। सब बहुत सफरिंग की शक्ल देखो, शक्ल शक्ल ट्रेन की सफरिंग में शक्ल की बैंड बच जाती है। ये फुट ओवर ब्रिज है, बाहर निकल रहे हैं हम स्टेशन के बाहर जाते हुए। और ये हम आए बाहर, ये सेंटा क्रूज है, सेंटा क्रूज का मेन मार्केट है ये। अगर आपको पृथ्वी थिएटर जाना है या जूहू बीच जाना है, तो आपको ये मार्केट क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टेशन के जस्ट बाहर है। आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे और आपको ये मार्केट नज़र आएगा, ये सेंटा क्रूज का मेन मार्केट है जो स्टेशन के जस्ट बाहर है। आपको यहाँ से ऑटो वगैरह और गाड़ियाँ मिल जाएंगी, आपको बस वगैरह मिल जाएंगे आपको जुहू बीच और पृथ्वी थिएटर जाने के लिए। और ये हमने ऑटो लिया है, शेयरिंग शेयरिंग ऑटो लिया हमने जुहू की तरफ जाने के लिए। और ये पूरा मार्केट एरिया है, सी सेंटा क्रूज का मेन मार्केट है, मेन रोड में बहुत फेमस है। ये देखिए कई तरह की आपको दुकानें मिलेंगी, आपको वॉचेस मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे और भी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत दुकानें हैं, आपको शूज़ मिल जाएंगे, फैशन की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और ये हम पहुँचे जुहू बीच पे, लुक एट द व्यू, सामने सिर्फ ओशन ही ओशन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओशन ही नज़र आ रहा है। बहुत सुकून मिलता है ओशन के बगल में, इंसान बैठ जाए। अगर आप राइटर हैं, पोएट हैं, आपको लिखना पसंद है, आपको थॉट्स चाहिए क्रिएटिविटी के लिए, आप यहाँ ओशन के बगल में आके बैठें, बहुत सुकून मिलता है। आपको अलग अलग तरीके के थॉट्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, क्रिएटिविटी उभर के बाहर आएगी।
और ये बच्चे सॉकर खेलते हुए बीच पे आपको कई लोग बहुत कुछ करते मिलेंगे, सॉकर खेलते मिल जाएंगे, कबड्डी खेलते मिल जाएंगे, क्रिकेट खेलते हुए मिलेंगे, वॉक करते हुए, जॉग करते हुए, बातचीत करते हुए, खाते पीते, आपको यहाँ लोग सब कुछ करते मिलेंगे। और ये कुछ बच्चे, एक फैमिली है, कबड्डी खेल रही थी। यही खूबसूरती हमारे देश की, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। और ये जो बीच का वॉक ओवर है, यहाँ शिप्स वगैरह बनती थी पहले, या शायद अभी भी बनती है, ज़्यादा पता नहीं मुझे। यहाँ फैमिलीज बैठी हुई हैं, दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं, ओशन की हवा एंजॉय कर रहे हैं। और ये हम आए पृथ्वी थिएटर के एंट्रेंस पर हैं। ये देखिए सामने बोर्ड लगा है, पृथ्वी थिएटर, पृथ्वी कैफ़े, पृथ्वी बुक शॉप, पृथ्वी गैलरी। इसके कैंपस में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये हमारा पृथ्वी थिएटर है, ये सामने ऑडिटोरियम है। अभी हाउसफुल है, अंदर प्ले चल रहा था कोई, अंदर तो जाना अलाउड नहीं था, तो मैं सोचा बाहर से आपको दिखा दूँ। ऑडिटोरियम था, ये लोग वेट कर रहे हैं। और ये हमारा जो एग्ज़िट है, ये एग्ज़िट है जहाँ से हम अभी घुसे थे, जहाँ हमने आपको बोर्ड दिखाया था। और ये जुहू बीच है, आपको नाइट शॉट, मैंने सोचा नाइट शॉट भी ले लेता हूँ एक, बहुत खूबसूरत लगता है रात में, ये बीच रात में बहुत खूबसूरत लगता है, ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला समंदर और चारों तरफ लाइट्स, मुंबई बिल्कुल चमक जाती है, दिए की तरह चमकती है रात में, बहुत सुंदर लगता है। कभी मुंबई आए तो इस बीच पे ज़रूर आए। और ये रात के टाइम पे स्टेशन, लुक एट द रश, इतनी भीड़, ओए होए, ये रात के टाइम पे भी वही लोग हैं जो सुबह सुबह गायब हो जाते हैं घर से ऑफिस के लिए, और रात में फिर ऑफिस से गायब हो जाते हैं घर जाने के लिए, ये वही लोग हैं।